मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई एम वेरी श्योर बेहतरीन होंगे। सो किसी अच्छे खासे लाइक सिलेबस को टफ कैसे बनाना है और ख़राब कैसे करना है, इसका एक उदाहरण पेश किया है हमारी माननीय इंस्टीट्यूट ने। और हालांकि ये सिर्फ सजेस्टिव सिलेबस है, मतलब ये रिकमेंडेड है एंड उसके ऊपर उन्होंने सजेशंस मांगे हैं। सो आज ये वीडियो में मैं कवर करूँगा सीएस प्रोफेशनल का जो नया सिलेबस आने वाला है उसके ऊपर। सो ये सिलेबस उन्होंने रिकमेंड करा हुआ है, ठीक है? तो ये सीएस प्रोफेशनल का नया सिलेबस है और इसके ऊपर प्रतिक्रियाएं मांगी गई है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी प्रतिक्रिया आईसीएसई के पोर्टल पे जाकर दे सकते हैं, इस वीडियो के नीचे भी आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ये आपको क्या लगता है इस सिलेबस के बारे में? मेरे हिसाब से ये सिलेबस, मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है प्लीज़, चूँकि मैं बहुत टाइम से सीएस प्रोफेशन को समझता हूँ और बहुत समय से मैं जॉब इंडस्ट्री एंड ऑल ये सब चीज़ों का भी एनालिसिस करता हूँ। तो ये सिलेबस जो है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सिलेबस, अगेन जो वर्ड मैंने यूज़ किया था डिज़ास्ट्रस, ये मुझे मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट दिस इज़ अगेन डिज़ास्ट्रस फॉर सीएस प्रोफेशनल जो नया सिलेबस आने वाला है। क्यों? अब आप यहाँ पे देखिए, सीएस प्रोफेशनल दो ग्रुप्स में करती है, जैसे कि अभी तीन ग्रुप में होता है, तीन 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 सब्जेक्ट्स होते हैं और थर्ड मॉड्यूल के दो सब्जेक्ट जो होते हैं ओपन बुक होते हैं। सबसे पहले तो ये ओपन ग्रुप बुक का कंसेप्ट पता नहीं क्या है, भगवान ही मालिक है। नाउ अब बच्चों, दिक्कत ये है, दिक्कत ये है, इस सिलेबस में दिक्कत ये है कि आप देखिए, पांच सब्जेक्ट हैं ग्रुप वन में, मतलब बाकी के इंस्टीट्यूट्स कोशिश करते हैं कि सिलेबस को थोड़ा सा कम किया जाए। हमारे इंस्टीट्यूट ने 9 के 10 सब्जेक्ट कर दिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 कर दिए। बट आप सब्जेक्ट देखेंगे तो पहला है गवर्नेंस रिपोर्टिंग बोर्ड डायनेमिक्स, दूसरा है जीएसटी, तीसरा है सेक्रेटरी ऑडिट, चौथा है सीआर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चार सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट मैं बोल रहा हूँ बेहतरीन है। इनफैक्ट जीएसटी को 100 मार्क के लिए इंट्रोड्यूस करना एक मील का पत्थर है, ठीक है? लेकिन अगेन यहाँ पे एक इलेक्टिव पेपर दिया गया है एंड दिस इज ऑल्सो फॉर 100 मार्क। तो टोटल पांच सब्जेक्ट हो गए ग्रुप वन में। ग्रुप टू में आ गया आपका ड्राफ्टिंग, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, साइबर लॉज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बहुत अच्छा लॉ है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। देन स्ट्रेटजी रिस्क एंड स्ट्रेटजी एंड रिस्क मैनेजमेंट, आई डोंट नो बच्चों ये सब्जेक्ट क्या है, ये मैनेजमेंट टाइप का कोई सब्जेक्ट है। दिस सब्जेक्ट शुड बी, मतलब मैं पहले वो स्ट्रेटजी मैनेजमेंट था और मुझे पता है वो सब्जेक्ट कितना यूजलेस था बच्चों के लिए, तो ये भी मेरे ख्याल से उसी का पार्ट है। तो आई डोंट नो इंस्टीट्यूट का विजन क्या है, मुझे नहीं पता, बट पता नहीं क्या है। सो 8 सब्जेक्ट यहाँ तक भी ठीक है, उसके बाद फिर से आपने दे दिए। नो प्रॉब्लम क्या है इस सब्जेक्ट में? इस सब्जेक्ट में जैसे कि कंपनी लॉ, मतलब सीएस एग्जीक्यूटिव में बेसिकली बच्चा कंपनी लॉ पढ़ता है और 100 मार्क के लिए पढ़ेगा पूरे सीएस एग्जीक्यूटिव में। नए सिलेबस के हिसाब से अगर आप देखें तो 100 मार्क के लिए बच्चा कंपनी लॉ पढ़ेगा। अब हो सकता है वो सीएस एग्जीक्यूटिव में कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, मैनेजरियल कम्युनिकेशन में वो कुछ कंपनी लॉ का ऐड कर दे, तो यहाँ पर डायरेक्टली कंपनी लॉ से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट नहीं है। सेक्रेटरी ऑडिट है, बट उसमें भी कंपनी लॉ कैसे कि भाई सेक्शन 23 के अंदर या सेक्शन 42 के अंदर ऑडिट होगा तो कौन कौन से पॉइंट आप ध्यान में रखोगे, मतलब इन डेप्थ नॉलेज देने वाला कंपनी लॉ का कोई डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पर 10 सब्जेक्ट कर दिए आपने, सो 10 मेंटली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर 10 सब्जेक्ट्स। आई डोंट नो क्योंकि ऑलरेडी, और एग्जीक्यूटिव में तो ऑलरेडी बवंडर मचाया हुआ है क्योंकि वहाँ पे तो ग्रुप वन में ही कंपनी लॉ, सिक्योरिटी लॉ और टैक्स पढ़ने वाला है बच्चा अपा, एंड इन एडिशन टू दैट GIGL पढ़ेगा। ग्रुप टू में 3 सब्जेक्ट हैं, बट फाइनल में टोटल 10 सब्जेक्ट हैं। और 10 सब्जेक्ट में अगेन कंपनी लॉ जैसा कोर सब्जेक्ट कहीं ना कहीं मिसिंग है। और अगर मतलब पूरे डायरेक्टली कंपनी लॉ का कोई सब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा लगता है कि ICSE को सोचना चाहिए, मतलब क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना, पहली बात तो एग्जीक्यूटिव क्लियर करना डिफिकल्ट हो जाएगा, उसके बाद फाइनल में आने के बाद भी चैन नहीं हुई, फाइनल में भी 10 सब्जेक्ट है। कम से कम इसको इंस्टीट्यूट को 9 सब्जेक्ट कर दें, ठीक है 8 कर दें, 4+4, जैसे कि वो स्ट्रेटजी और रिस्क मैनेजमेंट वाला चैप्टर सब्जेक्ट है उसको हटा दिया जाए। फिर सेक्रेटरी ऑडिट को किसी, सेक्रेटरी ऑडिट वाले पार्ट में कंपनी लॉ का पार्ट काफ़ी ज़्यादा डाला जाए, क्योंकि सेक्रेटरी ऑडिट मैं पढ़ाता था एंड बिलीव मी, मतलब वो क्या ही था मुझे आज तक नहीं समझा। सो आई डोंट नो, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे दो तीन मेरे सजेशंस रहेंगे कि सब्जेक्ट्स को 8 ही सब्जेक्ट कर दिया जाए। ओपन बुक ये जो रखा हुआ है, ओपन बुक आई थिंक ये ग्रुप 1 इलेक्टिव पेपर्स हैं, आई थिंक ये ओपन बुक ही होंगे शायद, इफ वी कुड सी।
अच्छा ये सारे मल्टीडिसिप्लिनरी बैंकिंग इंश्योरेंस इंटेलेक्चुअल एंड इंसॉल्वेंसी ये यहाँ पर शायद ये ओपन बुक है। मल्टी डिसिप्लिनरी बैंकिंग इंश्योरेंस इंटेलेक्चुअल ये ओपन बुक है, बट इनका यहाँ पे तो मल्टी डिसिप्लिनरी दिख ही नहीं रहा है। इंसॉल्वेंसी तो ये सारे ओपन बुक के अंदर आएंगे बच्चों, बट आई डोंट नो वो कंसेप्ट क्या है ओपन बुक का, एनालिटिकल स्किल्स बच्चों की बढ़ाने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस सिलेबस में थोड़े बहुत चेंजेस होने चाहिए, थोड़ा सा स्टूडेंट फ्रेंडली बनाना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में बाकी इंस्टीट्यूट्स कोशिश कर रहे हैं कि सिलेबस थोड़ा सा ईजी हो। तो ये चीज़ मुझे मेरे ख्याल से ICSE को अपने संज्ञान में लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से सब्जेक्ट सिलेबस थोड़ा सा डिजास्ट्रस टाइप का है, कुछ बेटर हो सकता है। सेम विथ एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव में भी कुछ बेटर हो सकता है, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो बनाई है और चीज़ें क्लियर की हैं। सो लेट्स सी हाउ डज ICSE गो, बट मेरे हिसाब से अगेन आई रीट्रेट द सेम पॉइंट कि सब्जेक्ट्स कम होने चाहिए। थैंक यू सो मच।